बात बताओ, तू इतनी अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस देता है फिर भी सिंगल है? कोच को कभी खेलते हुए देखा है? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार याज अली के बारे में, साथ ही जानेंगे इन्होंने किस प्रकार अपने करियर की शुरुआत की। टिकटॉक पर अगर एक्सप्रेशन, स्टाइल और स्लो मोशन को मिलाकर जो नाम बनता है उसे हम रियाज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रियाज इतने फेमस हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या है इनकी लाइफ स्टोरी आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम है कुलदीप और आप लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। रियाज का पूरा नाम रियाज आफरीन है। रियाज का जन्म 14 सितंबर 2003 में भूटान के जयगांव के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। रियाज की फैमिली में चार लोग हैं, रियाज के मॉम डैड एंड उनकी सिस्टर रिजा आफरीन है। रिजा इतने समय एक मॉडल स्टार हैं। रियाज और रिजा में काफ़ी प्यार और अंडरस्टैंडिंग है। रिजा रियाज को अक्सर इरिटेट करती रहती हैं, जिससे उनके बीच लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, लेकिन रिजा में एक अच्छी बात यह थी कि वो पहले ही आकर माफ़ी मांग लेती थी। रियाज ने अपने स्कूलिंग की पढ़ाई जयगांव के ही एक स्कूल से की है। रियाज पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बताते हैं कि उनको स्कूल में हर एक अच्छी लड़की से प्यार हो जाता था। उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक बार एक लड़की को लव लेटर भी दिया था, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उनकी बहन ने एक बार उनको एक वीडियो दिखाई। रियाज ने उस वीडियो को देखकर टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनकी वीडियोस पर लाइक व्यूज नहीं आते थे, लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल हो गई, जिससे उनकी एक के बाद एक वीडियो वायरल होती गई और उनकी आईडी पर फॉलोअर्स कब जीरो से मिलियन में बदलने लगे पता ही नहीं चला। रियाज को अपना करियर बनाने के लिए मुंबई जाना था, लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें जाने से मना कर दिया क्योंकि वो अभी 16 साल के ही थे। लेकिन उनकी बहन ने उनके साथ मुंबई गई और रियाज को कई बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आने लगे और उन्होंने कई सुपर हिट एल्बम सॉन्ग दिए हैं, जिनमें से डेली डेली, सुपरस्टार, पानी पानी और गुच्ची जैसे एल्बम सॉन्ग में रियाज दिखाई दिए हैं। रियाज दानिश जहान को अपना एक्सप्रेशन मानते हैं। रियाज का सपना है कि वो अपनी और अपनी फैमिली के लिए बड़ा घर खरीदें। अभी उनका घर ज़्यादा बड़ा और अच्छी जगह भी नहीं है। रियाज को अपनी पॉपुलरिटी का पता तब चला जब वो भूटान से मुंबई गए थे। जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरे, उनके फैन ने उनको घेर लिया और सेल्फी लेने लगे। जब वो भूटान से मुंबई गए थे तब उनकी आईडी पर 3 मिलियन फॉलोअर्स थे। अब हम बात करेंगे इनकी कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास दो बाइक, एक रॉयल इनफील्ड बुलेट जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये है और दूसरी KTM ड्यूक जिसकी कीमत 4 लाख रुपये है। इनके पास एक बेमिसाल लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज है जिसका प्राइस 80 लाख रुपए और इनकी नेटवर्थ 90 लाख रुपए मानी जाती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।